हेलो टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स ऑफ सेकंड क्लास आई एम योर नेहा मैम फ्रॉम ग्रीन पार्क सीनियर सेकेंडरी स्कूल एज यू ऑल नो स्टूडेंट्स वी कंप्लीट अवर पेज नंबर थर्टी वन इन योर ईवीएस चैप्टर एंड नाउ वी स्टार्ट अवर थर्टी सेकेंड पेज फ्रॉम एनिमल्स नीड वाटर सो स्टूडेंट्स थर्टी पेज नंबर से हम लोग एनिमल्स नीड वाटर से स्टार्ट करेंगे आज एनिमल्स नीड वॉटर का मीनिंग क्या है एनिमल्स को भी पानी की आवश्यकता होती है एनिमल्स नीड वॉटर एनिमल्स नीड वॉटर टू ड्रिंक एंड टू लिव एनिमल्स को भी पानी की जरूरत होती है टू ड्रिंक पीने के लिए और रहने के लिए जीवित रहने के लिए सम एनिमल्स लिव एंड वॉटर ओनली कुछ एनिमल्स जो हैं वो पानी में ही जीवित रहते हैं एनिमल्स लाइक फिश एनिमल्स जैसे कि फिश ऑक्टोपस वेल शाक डॉल्फिन एंड मैनी मोर लिव इन वॉटर एनिमल जैसे की फिश ऑक्टोपस वेल शार्क डॉल्फिन और भी जो जानवर है वो पानी में रहते हैं वॉटर इज देयर होम पानी ही उनके लिए उनका घर होता है दे कैनॉट लिव विदाउट इट और ये पानी के बिना नहीं रह सकते बिलो आर दिक्चर्स ऑफ बर्ड्स दैट स्विम इन वॉटर यहाँ पर आपको टू uh, पिक्चर्स दे रखी है ये ऐसे बर्ड्स हैं जो पानी में स्विम करते हैं इन सर्च ऑफ फूड अपने फूड के लिए अपने फूड को खोजने के लिए सर्च का मतलब क्या होता है खोजना ढूंढना कैन यू नेम दैम क्या आप इनकी नेम्स बता सकते हैं सो फर्स्ट आपका यहाँ पर वर्ड दे रखा है पेंगुइन तो आप यहाँ पर पेंगुइन कैसे स्पेल करेंगे ई एन जी यू आई एन अगेन ई एन जी यू आई एन पेंगुइन नेक्स्ट है आपका वर्ड फ्लेमिंगो इसको स्पेल करेंगे, देखेंगे, वॉटर फ्रीजेज एट जीरो डिग्री सेल्सियस ये जो सी आपका बता रखा है इसका मीनिंग होता है सेल्सियस सो वॉटर फ्रीज इज एट जीरो डिग्री सेल्सियस एंड बॉयज एट हंड्रेड डिग्री सेल्सियस पानी जो है वो उसको आइस बनने के लिए जीरो डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर की जरूरत होती है और उसको उबलने के लिए उसके बॉइलिंग पॉइंट के लिए उसे हंड्रेड डिग्री सेल्सियस की नीड होती है नेक्स्ट देखते हैं वाटर हैज थ्री फॉर्म्स पानी के तीन स्टेट्स होते हैं या फॉर्म्स होते हैं वाटर इज इन लिक्विड फॉर्म पानी जो है वो लिक्विड फॉर्म में भी होता है लिक्विड फॉर्म का मतलब क्या होता है तरल जो पानी है वो लिक्विड फॉर्म में होता है बट कैन चेंज टू सॉलिड लेकिन वो एक सॉलिड uh, फॉर्म में भी आ सकता है सॉलिड का मतलब क्या होता है कठोर फॉर्म में जैसे कि आइस जब पानी को हम फ्रीज़ करते हैं तो वो क्या बन जाता है आइस तो जब पानी अपने स्टेट में है तो वो लिक्विड स्टेट में है और जब हम उसे फ्रीज कर रहे हैं तो वो आइस बन जाता है और ये स्टेट सॉलिड स्टेट कहलाती है ऑन कूलिंग ठंडा करने पर एंड टर्न इन टू स्टीम और जब पानी को गर्म किया जाता है तो आपने देखा होगा स्टूडेंट्स ये स्टीम में जो है वो बनने लगती है स्टीम का मतलब होता है भाप जब हम पानी को गर्म करते हैं तो उसमें से स्टीम क्रिएट होने लगती है ये जो फॉर्म होता है पानी का ये कहलाता है गैस या वेपर फॉर्म वैन हीटेड जब इसे गर्म किया जाता है नेक्स्ट पेज देखते हैं वॉटर साइकिल सम प्रोसेस टेक्स प्लेस इन एनवायरमेंट कुछ ऐसा कुछ ऐसी प्रक्रिया होती है हमारे एन्वायरमेंट में जिसमें कि वाटर एवोपोरेट्स जिसमें आपने देखा होगा नदियाँ झरने झील इनके जो पानी इनका जो पानी होता है उसका लेवल क्या हो जाता है कम हो जाता है क्यों होता है सूर्य की रोशनी जब इस पर पड़ती है इट मीन्स जब सन की हीट इस पर पड़ती है तो हीट पड़ने की वजह से वो पानी एवोपोरेट होने लगता है इट मीन्स भाप में कन्वर्ट होने लगता है और हीटेड uh, होकर ऊपर की ओर चला जाता है एवोपरेट हो जाता है राइजेज अप ऊपर की ओर चला जाता है एंड फॉर्म क्लाउड्स और ये जो पानी भाप में कन्वर्ट होता है ये ऊपर जाकर क्या बनाते हैं क्लाउड्स बनाते हैं बादल बनाते हैं एंड कम्स बैक ऑन द अर्थ और ये जो बादल है ये फिर से आपको पता है ना स्टूडेंट्स ये बादल क्या करते हैं फिर से रेन करने का काम करते हैं तो ये किस फॉर्म में वापस नीचे आते हैं रेन फॉर्म में ऑन कूलिंग जब ये बादल ठंडे हो जाते हैं तो ये वर्षा करने लगते हैं बारिश करने लगते हैं तो ये जो पूरा प्रोसेस है ये क्या कहलाता है वाटर साइकिल हम वाटर साइकिल को फिर से देखते हैं जो भी नदियां जो भी पॉइंट्स ये जो वाटर बॉडीज हमारी होती हैं इसका पानी हीटेड अप होकर ऊपर की ओर भाप बन के एवपोरेट होने लगता है और फिर क्लाउड्स बनाता है जो क्लाउड्स होते हैं वो ठंडे हो जाते हैं और फिर से ये हमारी अर्थ पे रेन करने लगते हैं तो पानी नीचे से ऊपर गया और ऊपर से फिर से नीचे आया तो ये जो पूरा सर्कल चल रहा है इसे वाटर साइकिल कहा जाता है नेक्स्ट देखेंगे सोर्सेस ऑफ वाटर पानी के स्त्रोत रेन इज द मेन सोर्स ऑफ वाटर पानी का मुख्य स्रोत क्या है रेन दिस रेन वाटर गेट्स कलेक्टेड इन रिवर्स ये जो बारिश का पानी होता है ये नदियों में कलेक्ट होता है पॉन्ड्स तालाबों में कलेक्ट होता है लेक्स झीलों में कलेक्ट होता है रेन वाटर इज़ यूज फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स रेन वाटर जो है ये फसल को उगाने के लिए भी यूज़ किया जाता है इट मीन्स आपको सभी को पता है जो खेती में जो है वो पानी डाला जाता है ना वर्षा का तो वर्षा का पानी क्या होता है अपने आप ऊपर से आता है जिसकी वजह से इज़िली uh, जो पूरी की पूरी जो एग्रीकल्चर एरिया है उसमें आराम से पानी uh, डल जाता है जिसकी वजह से जो क्रॉप्स हैं वो अच्छी ग्रो करने लगती हैं फसलें अच्छे से उगने लगती हैं दिस वाटर इज ट्रीटेड अब ये जो पानी है इसे ट्रीटेड किया, मतलब किया जाता है ट्रीट का मतलब जांचा जाता है और इसे साफ किया जाता है एंड सेंट टू अवर हाउसेज और हमारे घरों तक भेजा जाता है थ्रो पाइप पाइप लाइन के थ्रू वी गेट दिस वाटर फ्रॉम वी गेट दिस वॉटर फ्रॉम द एप्स और ये जो पानी है ये हमें किससे मिलता है रेन से मिलता है और हमारे जो टैप्स होते हैं इसके थ्रू ये जो पानी है ये हमारे घरों में आ जाता है सो वी गेट दिस वॉटर फ्रॉम द टैप्स रेन वॉटर विच गोज डीप इन द ग्राउंड पानी जो होता है रेन वॉटर जो होता है वो क्या होता है एक जगह जमा हो जाता है और धीरे धीरे करके जो ग्राउंड है वो उसे सोखना स्टार्ट कर देता है तो हमारा जो अंडरग्राउंड है वो उसे धीरे धीरे सूखना स्टार्ट कर देता है और वो नीचे की ओर चला जाता है तो ये जो ग्राउंड जो पानी सोखता है इसे अंडरग्राउंड वाटर कहा जाता है दिस वाटर इज टेकन आउट विद द हेल्प ऑफ वेल्स और ये जो पानी है ये हम किसके थ्रू बाहर निकाल सकते हैं ये जो पानी है ये निकाला जाता है किसकी मदद से वेल्स कुओं की मदद से ट्यूबवेल्स अगेन वही है आपका जो मोटर के थ्रू जो वेल्स यूज किए जाते हैं एंड हैंडप और हैंडपम्प आपने देखे होंगे रोड्स पे कई बार आप देखते होंगे हैंडपम्प तो उनके थ्रू भी इस पानी को अंडरग्राउंड से बाहर की ओर निकाला जाता है सो so स्टूडेंट्स आज हमने अपना चैप्टर पेज नंबर थर्टी थ्री तक कंप्लीट किया है और अब नेक्स्ट सेशन में हम इसका नेक्स्ट पार्ट देखेंगे थैंक यू